नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन टफर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो बन में सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे सभी स्थगित परीक्षाओं के बारे में, साथ में नई तारीखों की घोषणा को लेकर, क्योंकि यहाँ पर जानकारियाँ देखने के लिए मिल रही हैं। जैसे जैसे कोविड का संक्रमण कम हो रहा है, वैसे वैसे जल्दी आपको जो परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा देखने के लिए मिलेगी। हालांकि अगर हम बात करें DSSB के माध्यम से परीक्षाओं की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और उसकी जो तैयारियां हैं 25 जून से आपको देखने के लिए मिलेगी। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर ही बहुत सारी परीक्षाएं लटकी हुई हैं, जिनको लेकर आप सभी के सामने जो नई तारीखों की घोषणा है वो होने वाली है। जैसा कि आप यहाँ देखें UPSC संशोधित परीक्षा कैलेंडर को लेकर भी, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि जल्द होंगी घोषित स्थगित परीक्षाओं की नई तारीखें। जैसा कि आप जानते हैं कि UPSC के माध्यम से भी कई परीक्षाएं होने वाली थी जो कि कोरोना संक्रमण के चलते स्थगित हो गई, लेकिन आने वाले भविष्य के अंदर ही बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली हैं। तो UPSC संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी करने को लेकर तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अगर बात करें, पिछले दिनों कोविड के कारण स्थगित परीक्षाओं को लेकर नई तारीखों की जो घोषणा है वो जल्द देखने के लिए मिलेगी। इसके लिए जल्दी संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया जा रहा है कोविड संक्रमण को देखते हुए। जैसा कि आप सभी को बताया कि जून तक की सभी परीक्षाओं को स्थगित किया गया था, मैंने आप सभी को जानकारी भी दी थी कि जल्दी UPSC के माध्यम से नया परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा, जिसके अंदर सभी नई परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। उसी को लेकर नीचे लिखा है कि पूर्व में निर्धारित सभी परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा, अब ऐसे में कोविड के मद्देनज़र आयोग ने अप्रैल और साथ ही मई और जून में होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी। इनमें 17 अप्रैल को होने वाली प्रवक्ता डिग्री कॉलेज और भी PCS वगैरह कई परीक्षाओं को लेकर यहाँ पर जो फैसले वो लिए गए थे, अब जल्दी इन सभी की जो घोषणा है वो आप सभी को देखने के लिए मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अगर बात करें संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अभिलेखों का जो सत्यापन किया जाएगा AR/AR को लेकर, उसकी 28 से 30 देखने के लिए मिलेगी। स्थिति सामान्य होने के बाद में आयोग ने अभिलेखों का सत्यापन संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। अब स्थगित हुई परीक्षाओं को लेकर नई तारीखों की जो घोषणा है वो करने वाले हैं। 1 सप्ताह में संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया जा सकता है। हालांकि संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी होने को लेकर जुलाई से दिसंबर तक की सभी परीक्षाओं को लेकर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो प्रभावित है आपको देखने के लिए मिलेंगी, मतलब जो परीक्षाएं पहले स्थगित हो गई हैं उनकी वजह से आगे होने वाली और भी परीक्षाएं यहाँ प्रभावित होने वाली हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जल्दी नई तारीखों की जो घोषणा है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन इसके अलावा भी कई और परीक्षाएं जिनको लेकर घोषणा आप सभी को जल्द देखने के लिए मिल सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसी एक परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा तो उसके बाद में UPSC या फिर शिक्षक भर्तियों से संबंधित जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उनकी भी जानकारी आपको जल्द देखने के लिए मिलेगी। जैसे जैसे कोरोना का संक्रमण कम होगा, जुलाई से परीक्षाओं के जो आयोजन है वो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ऐसे में जल्द जो परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा होने वाली है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है लेखपाल भर्ती के बारे में। यहाँ पे आदेश जारी किया गया है लेखपाल भर्ती को लेकर। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को आदेश देखने के लिए मिल जाएगा। विषय की अगर बात करें लेखपाल के रिक्त पदों के संबंध में जो आदेश है वो जारी किया गया है, जिसके क्रम में जानकारी देखने के लिए मिलती है कि मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि भूलेख अधिष्ठान के अंतर्गत अपने जनपद के लेखपाल पदों की, मतलब खाली पदों की संख्या आप सभी को निम्नलिखित प्रारूप के अंदर देनी है। 30 जून 2021 तक यहाँ पर सारी जानकारी इन सभी को उपलब्ध करवानी है। काफ़ी लंबा जो समय है वो दिया गया है, तो ऐसे में 30 जून 2021 तक की यहाँ पर अनुसार लेखपालों के भरे हुए पदों की जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल सकती है। ऐसे में यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है। अंदाजे अनुमानों के आधार पर देखा जाए तो PET के बाद में सबसे पहली जो भर्ती होगी वो लेखपाल के देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन क्या लेखपालों को नियुक्ति पत्र मिल पाएंगे, मेरे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। बहुत सारे लोगों ने PET को लेकर यहाँ पे कहीं ना कहीं जो कोर्सेज हैं लॉन्च कर दिए हैं। हमारे प्रदेश में यही होता है कि युवाओं के पास में कोर्सेज देने के लिए सबके पास समय, लेकिन आवाज़ उठाने के लिए समय नहीं होता। हमारे युवा भी उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। अभी फ़िलहाल कोर्सेज तो चल रहे हैं PET को लेकर, लेकिन PET के बाद क्या किसी को नौकरी मिलेगी? क्या लेखपाल की भर्ती अगर सितंबर के बाद में नवंबर में जारी कर दी जाती है तो UPSC 1.5 महीने के अंदर आपको नियुक्ति पत्र दे सकता है, क्योंकि 1.5 महीने के बाद चुनाव आ जाएंगे। चलो जो भी है, फिलहाल आप सभी के सामने UPSC के माध्यम से या फिर हम कह सकते हैं कि शासन के माध्यम से एक बार फिर से लेखपाल की भर्ती को लेकर यहाँ पर रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा इसकी जानकारी तो आपको PET के बाद ही देखने के लिए मिलेगी। फिलहाल PET को भी यहाँ पर स्थगित करने की मांग की जा रही है। ऐसे में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि लेखपाल भर्ती को लेकर है। वहीं दूसरी तरफ बात करें एक और नई शिक्षक भर्ती के बारे में, जो कि जानकारी देखने के लिए मिल रही है परीक्षा नियंत्रक की वजह से। जैसा कि आप जानते हैं कि कई भर्तियां हैं जो कि फिलहाल लटकी हुई हैं, लेकिन ऐसे में कोई ना कोई कारण यहाँ भर्ती को लटकने को लेकर है। फिलहाल जानकारी मिली है
कि जल्दी आप सभी को जो भर्ती का विज्ञापन है वो देखने के लिए मिलेगा। जल्द मिलेंगे नियमित परीक्षा नियंत्रक और उनके आने के बाद में भर्ती के लिए जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। जैसा कि आप सभी देख पाएँ कि EVP जल्दी नियमित परीक्षा जो नियंत्रक है उनको मिल जाएंगे। इसके बाद में अगर बात करें इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से विज्ञापन जारी किया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक के साथ अगर बात करें आंतरिक जो परीक्षा अधिकारी और साथ में डिप्टी रजिस्ट्रार के एक एक पद के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐसे में इलाहाबाद विश्वविद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र 6 जुलाई तक रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा कराने होंगे और साथ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने भले ही 3 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है, लेकिन ऐसे में इससे उम्मीद बढ़ गई है कि जल्द ही शिक्षकेतर कर्मचारी सातवीं शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है। जैसा कि आप सभी के सामने लिखा हुआ है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास में अगर बात करें परीक्षाओं के मद्देनज़र वर्ष 2020 और साथ में 21 की सबसे चुनौतीपूर्ण रहा है। कोविड के कारण देश के किसी भी अगर बात के विश्वविद्यालय में परीक्षा कराना आसान नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर परीक्षा नियंत्रक के सामने कहीं ना कहीं जो चुनौती है वो देखने के लिए मिलेगी कि कोविड के संक्रमण में कैसे परीक्षाएं करवाई जाएं। लेकिन जल्दी अगर हम बात करें प्रशासन की ओर से यहाँ पर नए परीक्षा नियंत्रक मिलने वाले हैं और जैसे ही मिलते हैं उसके बाद में जल्दी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने की जो उम्मीद है बढ़ गई है, जिसमें काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर इंतजार किया जा रहा था। जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहेगी। साथ में जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें TGT PGT को लेकर, चयन बोर्ड के माध्यम से वैसे तो बहुत सारी गलतियां की जाती हैं, लेकिन कई बार ऐसे धमाके कर दिए जाते हैं कि उनके अधिकारियों को खुद समझ में नहीं आता है कि आगे की प्रक्रिया को कैसे फॉलो किया जाए। उसी क्रम में चयन बोर्ड के माध्यम से एक और बड़ा धमाका कर दिया गया है। जानकारी के लिए बता दूं कि 2016 के जो शिक्षक चयनित हुए थे उनको यहाँ पर अभी तक नियुक्तियाँ नहीं मिली हैं, वो इधर उधर भटक रहे हैं। चयन बोर्ड के माध्यम से यहाँ प्रतीक्षा सूची भी जारी कर दी गई है। अब उसके बाद से कहीं ना कहीं जो प्रतीक्षा सूची है फंस चुकी है, अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंस चुकी है चयन बोर्ड के कारण। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 25 मई को जारी TGT प्रवक्ता के 2016 की वेटिंग लिस्ट जिला विद्यालय निरीक्षक के असमंजस में है। आखिर किसके आधार पर नियुक्ति दी जाए? चयन बोर्ड की ओर से जारी विज्ञप्ति में वेटिंग लिस्ट में वैधता के क्रम में पहले स्थान वाले अभ्यर्थी को बुलावा पत्र भेजने पर एक ही अभ्यर्थी हर जिले से बुलावा आएगा। ऐसे में अगर बात करें आदेश में कुछ स्पष्ट नहीं है कि आखिर वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थी को कैसे नियुक्ति दी जाएगी, क्या करवाया जाएगा, इसी को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अधिकारी हैं पूरे तरीके से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। चयन बोर्ड की वजह से कहीं ना कहीं वेटिंग लिस्ट वाले छात्रों की भी नियुक्ति फंस चुकी है, तो दूसरी तरफ जिनको पहले से संस्था आवंटित हुई थी वहाँ पर शिक्षकों के पद खाली नहीं थे, तो ऐसे में वो भी इधर उधर भटक रहे हैं। उनको लेकर भी कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है, जिसको लेकर छात्रों के माध्यम से चयन बोर्ड को ज्ञापन भी सौंपे जा रहे हैं, जिससे कि आगे की जो कार्यवाही वो शुरू की जाए। आज चयन बोर्ड में एक मुलाकात भी होने वाली, जिसकी जानकारी आप सभी को दोपहर तक दे दी जाएगी, जिसमें परीक्षाओं की तारीखों को लेकर आपको जानकारी मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है LET गेट के बारे में। साथ ही अगर बात करें PCS में अतिरिक्त 2 अवसर के लिए, PCS के अंदर 2 अतिरिक्त अवसर के बारे में लगातार यहाँ पे जो मांगे वो की जा रही है, ट्विटर पे अभियान छेड़ दिया है। इसके साथ ही प्रतियोगी छात्र संगठन, साथ ही अगर बात करें कुछ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि कोविड के मद्देनज़र ओवरएज हुए प्रतियोगी छात्रों को PCS की परीक्षा में 2 अतिरिक्त अवसर प्रदान किए जाएँ। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि 2018 से पाठ्यक्रम साथ में परीक्षा प्रणाली में 100% बदलाव किया गया है। अचानक हुए बदलाव के अनुसार अगर देखें तो प्रतियोगी छात्र खुद इसको लेकर ढाल नहीं पाए हैं, इनमें तमाम छात्र ओवरएज हो गए हैं। ऐसे में छात्रों को PCS 2021, साथ ही अगर बात करें PCS 2022 में 2 अतिरिक्त अवसर मिलने चाहिए, उसी को लेकर यहाँ पे जो मांगे वो की जा रही है। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें LET गेट के बारे में, लोक सेवा आयोग के सामने सोमवार को क्रमिक अनशन देखने के लिए मिला है। LET गेट शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी को समझाती हुई दिखाई दी पुलिस। मामला क्या है, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर लगभग 2500 से ज़्यादा ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी जो नियुक्तियाँ वो लगातार लटकी हुई हैं। बार बार लोक सेवा आयोग को ज्ञापन देते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई समस्या का निस्तारण यहाँ से देखने के लिए नहीं मिला है। ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मामला फंसा है, राजकीय इंटर कॉलेज LET गेट हिंदी के चयनित शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर सोमवार शिक्षा निदेशालय पर क्रमिक जो अनशन शुरू किया गया। अभ्यर्थी का कहना है कि आवेदन तिथि में अर्हता को लेकर लोक सेवा आयोग की ओर से निर्णय नहीं लेने के बारे में नियुक्ति फंसी हुई है। परीक्षा के जरिए उनका चयन किया गया है। आयोग ने शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन भी पूरा कर लिया है। सत्यापन के बाद 3 नवंबर 2020 से लगातार लोक सेवा आयोग को ज्ञापन देते आ रहे हैं, लेकिन कार्यवाही शुरू नहीं की गई। उसी को लेकर यहाँ पर लगातार जो धरना प्रदर्शन वो जारी है। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है 69,000 की थर्ड काउंसलिंग को लेकर।
थर्ड काउंसलिंग साथ में चयन सूची को लेकर अब जो जानकारियां मिल रही हैं उसको समझा जाए तो अब ऐसा लगा है कि जल्दी आप सभी के सामने जो चयन सूची है वो आने वाली है, साथ में काउंसलिंग का जो कार्यक्रम है वो जारी किया जाएगा। जैसा कि मैंने कल की तारीख में आप सभी को बताया भी था कि अधिकारियों के माध्यम से कहा गया है कि प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है, जल्दी आप सभी को जो है जमीनी स्तर पर कार्य देखने के लिए मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से भी यहाँ पर जो काउंसलिंग का आदेश जारी करने को लेकर निर्देश दिए गए हैं, जिसको लेकर कल देर रात को मैंने आप सभी को काउंसलिंग के संबंधित जो मंत्री जी ने कहा है उसके बारे में ऑडियो भी सुनाया था। फिलहाल आप यहाँ पे भी देखें, कल शाम से ही लगातार समाचार मतलब न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से समाचार के अंदर भी आप सभी को ऐसी जानकारियाँ देखने के लिए मिल रही हैं जहाँ पे बार बार बताया जा रहा है कि तत्काल काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया जाए बेसिक शिक्षा मंत्री। उसी क्रम में नीचे आप सभी को और भी जानकारियाँ देखने के लिए मिल जाएंगी कि थर्ड काउंसलिंग को लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू करने के बारे में मंत्री सतीश द्विवेदी जी के माध्यम से यहाँ पर जो आदेश है वो दिया गया है काउंसलिंग शेड्यूल जारी करने को लेकर। ऐसे में यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जल्द जारी हो काउंसलिंग शेड्यूल, उसी को लेकर नीचे आपको जानकारियाँ देखने के लिए मिल रही हैं। कल इसके बारे में लगातार देर शाम तक आप सभी के सामने कई न्यूज चैनल्स के माध्यम से जानकारियां दी गई हैं, जैसा कि मैंने देर रात को आकर सुनवाया भी था। अब इसको देखते हुए लग रहा है कि जल्द ही आप सभी के सामने थर्ड चयन सूची जारी की जाएगी और उसके बाद में काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू करवा दी जाएगी, क्योंकि बार बार छात्रों के माध्यम से पूछा जाता है कि कब तक सर हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में इन तमाम मामलों को हम समझने का प्रयास करें, क्योंकि अभी तक बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से पिछले 8 दिनों से कोई भी नया पत्र जारी नहीं किया गया है जिसके अंदर रिक्त पदों का डाटा मांगा गया हो। उनके माध्यम से कहा जा रहा है कि थर्ड चयन सूची को लेकर जो कार्य वो किया जा रहा है, और अगर ऐसे में डाटा नहीं मांगा जा रहा तो उम्मीद है कि सरकार के पास पूरा डाटा आ चुका है। खाली पदों की जानकारी बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से अभी तक नहीं दी गई है, लेकिन कल जो मंत्री जी के माध्यम से निर्देश दिए गए हैं न्यूज़ चैनल्स पर बार बार जानकारियां देखने के लिए मिल रही हैं, इससे उम्मीदें बढ़ गई हैं कि थर्ड चयन सूची जल्द जारी हो सकती है। इसको लेकर आज भी SCERT में एक मुलाकात होगी। अगर तारीखों के बारे में या फिर रिक्त पदों की संख्या के बारे में कोई बेसिक शिक्षा परिषद या फिर शासन के अधिकारियों के माध्यम से मिलती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन टफर स्टडी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। लेकिन इन तमाम चीज़ों को समझा जाए तो अब ऐसे में थर्ड चयन सूची जारी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अगर जारी हो जाती है तो छात्रों का जो इंतजार है पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। बाकी जो भी अपडेट होगी आप सभी को ऑनलाइन टफर स्टडी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती रहे।